हेलो दोस्तों, तो आज मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ श्रीलंकन प्लेयर चमिका करुणा रत्ने के बारे में। तो चमिका करुणा रत्ने को एक साल के लिए ऑल फॉर्मेट से सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि वो T20 वर्ल्ड कप के दौरान प्लेयर एग्रीमेंट के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। नेक्स्ट अपडेट तो मोहम्मद आमिर से रिलेटेड है। तो पाकिस्तान बोर्ड ने अबू धाबी T10 लीग खेलने के लिए मोहम्मद आमिर को NOC नहीं दिया है और उनके अलावा सभी प्लेयर को NOC दे दिया है। हम बता दें कि NOC होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो किसी भी प्लेयर को विदेशी लीग खेलने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट अपडेट तो इंडियन U19 वर्ल्ड कप विनर उमुक्त चंद ने पिछले साल ही ऑल फॉर्मेट से इंडियन क्रिकेट से संन्यास लिया था और वो USA चले गए थे। अब वो 2023 में होने वाली बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए चैटोग्राम चैलेंजर के लिए साइन हुए हैं। नेक्स्ट अपडेट तो बांग्लादेश से होने वाली सीरीज के लिए रविंद्र जडेजा और यश दयाल बाहर हो गए हैं। तो रविंद्र जडेजा के जगह पे शहबाज अहमद को लिया है और यश दयाल की जगह पर कुलदीप सेन को टीम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट अपडेट तो आपको पता होगा कि शिखर धवन को ODI सीरीज के लिए इंडिया टीम का कैप्टन बनाया गया है। तो इस पे रिएक्ट करते हुए शिखर धवन ने कहा कि मुझे कप्तानी खोने का कोई डर नहीं है और हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और ऐसे ही चले जाएंगे, सब कुछ यहीं का यहीं रहेगा। नेक्स्ट अपडेट तो 18 ईयर्स ओल्ड लेग स्पिनर ऑलराउंडर रेहान अहमद को इंग्लैंड टेस्ट टीम में शामिल कर लिया गया है और वो पाकिस्तान से होने वाले टेस्ट सीरीज के लिए खेलने जाएंगे पाकिस्तान टूर पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।